بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ناظرین محترم سامعین اعزام دختران ملت و برادران اسلام اسلام اور مسلمانوں کے درمیان اسلام اور مسلمان اور مرزائیوں اور قادیانیوں کے درمیان جو بنیادی اصولی اعتقادی اختلاف پایا جاتا ہے جو قادیانیوں اور مرزائیوں کی تحریرات میں ان کے مضامین میں ان کی معتبر کتابوں میں موجود ہے ان کے حوالے سے یہ بات امت مسلمہ کو سمجھانے کی بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کے عقائد میں اور اسلام اور مسلمانوں کے عقائد میں بہت بڑا فرق ہے عام مسلمانوں کا یہ سوچنا اور سمجھنا مرزائیوں اور قادیانیوں کا یہ باور کرانا کہ جس طرح مسلمانوں کے مختلف طبقے ہیں مختلف فرقے ہیں مختلف نظریات اور افکار کے اعتبار سے ان کے درمیان اختلاف ہے ایسے ہی مرزائیوں اور قادیانیوں کا معاملہ بھی ہے یہ مرزائی اور قادیانی اسلام سے ہٹ کر مسلمانوں سے ہٹ کر کوئی مذہب کوئی شریعت کوئی دین اور دھرم نہیں رکھتے بلکہ مسلمانوں ہی کا ایک جز مسلمانوں ہی کا ایک حصہ مسلمانوں ہی کی ایک جماعت مسلمانوں ہی کا ایک فرقہ ہے یہ جو باور کرایا جا رہا ہے یا مسلمان اس غلط فہمی کا شکار ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور مسلمانوں کو یہ بتایا جا رہا ہے اور عام قادیانیوں کو بھی یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو قادیانی عقائد مرزائی عقائد یہ بالکل الگ ہیں اسلام اور مسلمان بالکل علیحدہ ہیں دونوں میں معمولی چھوٹا موٹا جزوی فروعی اختلاف نہیں ہے بلکہ ان دونوں کے درمیان بنیادی اختلاف ہے عقیدے کا اختلاف ہے لہٰذا ہم اس اختلاف کو سمجھیں اور صراط مستقیم کو اپنائیں اور جو واقعی اسلام ہے اور مسلمان ہیں اس کو قبول کریں مسلمانوں اصل مسلمانوں میں شامل ہوں اور ایسے باطل نظریات اور افکار سے توبہ کریں جو مسلمان ہیں پہلے سے وہ ان غلط فہمیوں کا شکار نہ بنیں اور اپنے عقائد کی اپنے مذہب کی اپنے اصولوں کی پوری پوری حفاظت کریں میں
गुज़िश्ता इससे पहले वाली किस्त में, पहली किस्त में मैंने इसी किस्म की बुनियादी बातें आप हजरात के सामने रखा हूँ और आपने उसको यकीनन समाअत किया होगा और ये बात समझ में आई होगी कि इस्लाम और मुसलमान और मिर्ज़ाई और क़ादियानियों के दरमियान इख्तलाफ़ मामूली इख्तलाफ़ नहीं है, अकीदे का इख्तलाफ़ है। वो इख्तलाफ़ है जिस इख्तलाफ़ की वजह से फिर इंसान मुसलमान मुसलमान नहीं रहता, इस्लाम से ख़ारिज हो जाता है, जिसमें से उनके पांच बातिल नज़रियात, पांच किस्म के बातिल अफकार जो बुनियादी और अकीदे का इख्तलाफ है उसको आपके सामने मैंने पेश किया था। आज उसकी दूसरी किस्त के तौर पर आप हजरात के सामने उसको पेश किया जा रहा है। पांच इख्तलाफात, बुनियादी इख्तलाफात, पांच बुनियादी इख्तलाफात जिसका ज़िक्र गुज़िश्ता किस्त में किया जा चुका है, आज उसी तसलसल में छठवां इख्तलाफ सुनिए। छठवां इख्तलाफ ये है कि हम तमाम मुसलमानों का एक एक फ़र्द, चाहे वो मर्द हों चाहे वो ख़वातीन हों, मुसलमानों का एक एक फ़र्द अकीदे के तौर पर ये समझता है और ये यकीन रखता है कि क़ुरान करीम अल्लाह ताला की आखिरी किताब है। जैसे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी रसूल और पैगंबर हैं, ऐसे ही क़ुरान मजीद आखिरी किताब है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से नबुव्वत और रिसालत का सिलसिला शुरू हुआ और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म हुआ, तो सबसे आखिरी नबी और पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके बाद फिर कोई नबी और पैगंबर नहीं। ऐसी अल्लाह ताला ने बहुत सारी किताबें, सहीफ़े आसमान से नाजिल फरमाईं, अम्बिया और पैगंबरों पर सहीफ़े नाजिल हुए, किताबें नाजिल हुईं, तौरात, सबूर, इंजील, सुहुफ़ मूसा, सुहुफ़ इब्राहिमी वगैरह वगैरह, बहुत सारे सहीफ़े और किताबें अल्लाह ने नाजिल फरमाईं, उन सब में आखिरी किताब क़ुरान मजीद है। इस क़ुरान मजीद के बाद फिर कोई और किताब आसमान से नाजिल होने वाली नहीं है और यही क़ुरान मजीद, इसका क़ानून, इसके अहकामात और इससे साबित शुदा शरीयत क़यामत तक के लिए, क़यामत तक के लिए। अब ना नई शरीयत की ज़रूरत है, ना नए ख़वानीन की ज़रूरत है, ना नई किताब की ज़रूरत है। ये किताब क़यामत तक के लिए है, आखिरी किताब है और क़यामत तक के लिए है। सूरह बकरा की पहली ही आयतों में अल्लाह तबारक व तआला ने ये बात पूरी वजाहत के साथ इरशाद फरमा दी कि मोमिन और मुसलमान होने के लिए किन किन अकीदों की ज़रूरत है। الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون। ईमान के लिए, मुसलमान होने के लिए, साहिब इस्लाम होने के लिए जिन जिन अकीदों की ज़रूरत थी, अल्लाह तबारक व तआला ने इन आयतों में वो अकीदे बयान फरमाए हैं, वो अमाल बयान फरमाए हैं। इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि मुसलमान वो हैं जो उन तमाम चीज़ों पर भी, वो उन तमाम चीज़ों पर ईमान रखते हैं जो आप से पहले नाजिल हुई और आप पर नाजिल हुई।
यानी आपसे पहले जो किताबें नाजिल हुई उस पर भी ईमान रखते हैं और आप पर जो नाजिल हो रही है यानी कुरान मजीद उस पर भी ईमान व यकीन रखते हैं। अगर ईमान लाने के लिए अगली किसी किताब पर यकीन रखना ज़रूरी होता तो अल्लाह तबारक व तआला इस आयत में ये लफ्ज़ भी इरशाद फरमाते والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وما أنزل من بعدك। लेकिन अल्लाह ने नहीं फरमाया, इसलिए कि बाद में कोई किताब नाजिल होना ही नहीं है। कुरान मजीद के बाद किसी किताब की ज़रूरत नहीं है, किसी किताब को आसमान से नाजिल होना नहीं है। इसलिए तमाम मुसलमानों का अकीदा है बिल इजमा और बिल इत्तिफाक कि कुरान मजीद आखिरी किताब है। इसके बाद अब कोई खुदाई कलाम या कोई किताब किताबुल्लाह अल्लाह की किताब क़यामत तक नाजिल नहीं होगी, इसकी ज़रूरत ही नहीं, अल्लाह ताला नाजिल नहीं फरमाएंगे। जो कुछ होना था हो गया, तौरात को नाजिल करना था नाजिल कर दिया गया, इंजील नाजिल हो गई, ज़बूर नाजिल हो गई और जो सहीफ़े थे वो नाजिल हो गए, आखिर में कुरान मजीद को नाजिल होना था, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमा दी, मुकम्मल हो गई कुरान मजीद। अब क़यामत तक किसी नई किताब की ज़रूरत नहीं है, ये हमारा मुसलमानों का अकीदा है। इसके बरखिलाफ़ मिर्ज़ाई कादियानी वो क्या अकीदा रखते हैं, तमाम मुसलमानों का बिलिजमा बिलतफ़ाक़ीदा अकीदा तो आपने आपको मालूम है कि कुरान मजीद अल्लाह ताला की आखिरी किताब है, इसके बाद कोई किताब नाजिल होने वाली नहीं है और यही कुरान मजीद क़यामत तक के लिए काफ़ी है। ये अहले ईमान का अहले इस्लाम का मेरा और आपका तमाम मुसलमानों का अकीदा है। इसके मुकाबले में इसके बरखिलाफ़ कादियानियों का मिर्ज़ाइयों का अकीदा ये है कि मिर्ज़ा के ऊपर जो वही नाजिल होती है वो वही जो मिर्ज़ा पर नाजिल होती है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मिर्ज़ा पर नाजिल होती है जो वही वो वही कुरान के बराबर है, उस पर ईमान लाना उतना ही ज़रूरी है जितना कि कुरान पाक पर ईमान लाना ज़रूरी है। और मिर्ज़ा पर जो वही नाजिल होती है जो इल्हामात नाजिल होते हैं उसकी तिलावत भी उसका पढ़ना भी कुरान मजीद की तिलावत की तरह अल्लाह की इबादत है। नऊज़ु बिल्लाह। तो हमारा और आपका अकीदा ये है कि कुरान मजीद अल्लाह की किताब है, आखिरी किताब है, उसका पढ़ना उसका देखना उसका चूमना उसको साथ में रखना उसको समझना उस पर अमल करना अल्लाह ताला की इबादत है। और ये कि इसके बराबर कोई किताब नहीं हो सकती और ये क़यामत तक के लिए कुरान कुरान है, अल्लाह की किताब है, नई वही की नई किताब की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारा और आपका अकीदा ये है। मिर्ज़ा और मिर्ज़ाइयों का अकीदा ये है कि उस पर मिर्ज़ा पर जो वही नाजिल हुई है वो कुरान के बराबर है। कुरान की जिस तरह तिलावत इबादत है ऐसी उस वही और इल्हाम की इबादत तिलावत भी इबादत है। हम और आप ये अकीदा रखते हैं कि कुरान मजीद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ज़िंदा मुअज्जज़ा है, मुअज्जज़ा है कुरान हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक मौजज़ा है। उसका एक एक लफ्ज़ एक एक जुमला अल्लाह ताला की वही है और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मौजज़ा है। और ऐसा मौजज़ा है कि उस जैसा कलाम उस जैसी सूरत उस जैसी आयत बनाने पर सारी दुनिया की ताकतें
इकट्ठा हो जाएं तब भी नामुमकिन है, मुश्किल है, हो नहीं सकता, कुरान का चैलेंज है। लिहाजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से निकल रहा है और ये वही आप लोगों को पढ़ के सुना रहे हैं, तो ये आपका ज़बरदस्त मौजज़ा है और ये मौजज़ा क़यामत तक के लिए बाकी है। ये हमारा और आपका अकीदा है। लेकिन इन मिर्ज़ाइयों और कादियानियों का कहना ये है कि मिर्ज़ा पर जो वही नाजिल होती है वो भी ऐसा ही मौजज़ा है जैसे कुरान करीम मौजज़ा है। ये वो इख्तलाफात हैं, ये वो बातिल नज़रियात और बातिल अफकार हैं जो मानने वालों को, इसके मानने वालों को इस्लाम और मुसलमानों से ख़ारिज कर देता है। ये जो बात मैंने आपके सामने इस वक्त अर्ज़ की है, इसके बारे में मिर्ज़ा की किताबों और क़ादियानियों का जो मज़हबी मवाद है उसके हवाले से, उसकी तहरीर क्या है इस सिलसिले में, वो भी आप हजरात समाअत करें। वो लिखता है, और ख़ुदा का कलाम इस कदर मुझ पर नाजिल हुआ है कि अगर वो तमाम लिखा जाए तो 20 पारों से कम नहीं होगा। ये अल्लाह का कलाम उस पर नाजिल हुआ है, वही खुदा का कलाम इस कदर मुझ पर नाजिल हुआ है कि अगर वो तमाम का तमाम लिख दिया जाए तो 20 पारों से कम ना होगा। जो सुरूर व यकीन कुरान शरीफ से पैदा होता है वो किसी और किताब से नहीं होता। इसी तरह वो सुरूर लज़्ज़त जो हज़रत मसीह मौऊद के इल्हामों को पढ़ने से हासिल होता है और किसी किताब के पढ़ने से हासिल नहीं हो सकता। हज़रत मसीह मौऊद अपनी वही अपनी जमात को सुनाने पर मामूर हैं। जमात अहमदिया को उस वही पर ईमान लाना और उस पर अमल करना फ़र्ज़ है। खुदा का कलाम उस पर नाजिल होता है। जो लज़्ज़त जो सुरूर कुरान शरीफ से और जो है हज़रत मसीह मौऊद अपनी वही अपनी जमात को सुनाने पर मामूर हैं। हज़रत मसीह मौऊद से यहाँ मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी है, कितना मुकाबला किया जा रहा है कुरान मजीद से और मिर्ज़ा की उन बकवास और उन तमाम लगवियात जो उसने अपने मुंह से बकी हैं, इन दोनों का मुकाबला किया जा रहा है। नाउज़ बिल्ला, कितनी बदतमीज़ी और बेहुदगी की बात है। आप एक बार फिर सुने और ग़ौर से सुने अल्फाज, खुदा का कलाम इस कदर मुझ पर नाजिल हुआ है कि अगर वो तमाम लिख दिया जाए तो 20 पारों से कम नहीं होगा, यानी 20 पारों से ज़्यादा होगा, यानी इतना अल्लाह ने उस पर वही नाजिल की है। और ये कि इंसान को, मुसलमान को कुरान मजीद की तिलावत से जो लज़्ज़त जो यकीन जो सुरूर जो कैफियत पैदा होती है, ये कुरान पढ़ने वाले जानते हैं। कुरान पढ़ने में जो मज़ा है, कुरान पढ़ने में जो लज़्ज़त है, कुरान पढ़ने में जो यकीन है, कुरान पढ़ने में जो सुरूर और जो कैफियत पैदा होती है, यह तमाम कुरान पढ़ने वालों को अच्छी तरह मालूम है। वो कहता है मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी और उसकी जो वही है और इल्हामात हैं उनमें से एक इल्हाम और वही ये भी है कि जो सुरूर व यकीन कुरान शरीफ से पैदा होता है वो किसी और किताब से नहीं होता। इसी तरह वो लज़्ज़त वो सुरूर जो हज़रत मसीह मौऊद यानी ग़ुलाम अहमद के इल्हामों को पढ़ने से हासिल होता है और किसी किताब के पढ़ने से हासिल नहीं होता। इसी तरह हज़रत मसीह मौऊद अपनी वही अपनी जमात को सुनाने पर मामूर हैं। जमात अहमदिया उस वही पर ईमान लाना और उस पर अमल करना फ़र्ज़ है। जमात अहमदिया को उस वही पर ईमान लाना और उस पर अमल करना फ़र्ज़ है। देखिए यहाँ
गुलाम अहमद कादियानी की बकवास और लगवियात को वही का दर्जा दिया जा रहा है और उसको एक मौजज़ा बताया जा रहा है और उसको कुरान मजीद से मुकाबला करके बताया जा रहा है कि जिस तरह कुरान मजीद पढ़ने में मज़ा है, कैफियत है और उसका पर ईमान है और उस पर यकीन है, इसी तरह से हज़रत मसीह मऊद नऊज़ु बिल्लाह मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी के इल्हामों को और उसकी वही को पढ़ने से वो सुरूर हासिल होता है, जो सुरूर, जो लज्जत, जो कैफियत कुरान मजीद की तिलावत से हासिल हो सकती है। और इससे आगे बढ़कर ये कहा जा रहा है कि हज़रत मसीह मऊद यानी ग़ुलाम अहमद कादियानी अपनी वही अपनी जमात को सुनाने पर मामूर हैं, यानी उस पर जो वही नाजिल हो रही है वो अपनी जमात को यानी अपने मानने वालों को सुनाएं और तमाम जमात अहमदिया को उस वही पर ईमान लाना और उस पर अमल करना फ़र्ज़ है। जब तुम्हारी वही अलग हो गई, तुम्हारी किताब अलग हो गई, तुम्हारा दीन और तुम्हारी शरीयत अलग हो गई और उस पर अमल कर, उस पर ईमान लाना और उस पर अमल करना तुम्हारे लिए ज़रूरी और फ़र्ज़ के दर्जे में है, तो तुम मुसलमान कैसे बाकी रहे, तुम मुसलमानों में कैसे शामिल रह सकते। लिहाजा तुम्हारा धर्म, तुम्हारा मज़हब बिल्कुल अलग है और तमाम मुसलमानों का दीन, मज़हब, शरीयत बिल्कुल अलग है। दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है, ज़मीन आसमान से भी ज़्यादा का फ़र्क है। उन अकायद बातिला को जो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी की तरफ मंसूब हैं, अगर कोई अपना लेता है तो वो मुसलमान बाकी नहीं रहता, उसका ताल्लुक़ इस्लाम से, मुसलमानों से नहीं रहता। इसी तरह हम सब मुसलमानों के नज़दीक जिहाद इस्लाम का एक बहुत बड़ा रुकन है और इस्लाम में जिहाद एक इबादत है। और ये अलग तफसील है कि जिहाद किसके साथ होगा, आम लोगों के साथ जिहाद हो सकता है या आम लोगों के साथ जिहाद नहीं हो सकता, ये बात अलग, इसका ये मौजू अलग है। इस्लाम में आम लोगों के साथ जिहाद नहीं है, किसी भी आम इंसान के साथ कोई जिहाद नहीं है, चाहे वो किसी भी मज़हब का, किसी भी दीन का, किसी भी धर्म का मानने वाला हो, आम लोगों के साथ इस्लाम में जिहाद नहीं है। जिहाद किसके साथ है? जिहाद उन लोगों के साथ है जो जुल्म ज़्यादतियों की हद पार कर चुके हों, उनके साथ जिहाद है। और ये जिहाद इस्लाम में हुआ है, सहाबे किराम जिहाद में शरीक हुए और जालिमों के जुल्म से, जालिमों को जुल्म से रोका। और ये एक मजबूरी है, जब जालिम जुल्म की हद को पार कर दे और हर तरह से जालिम बन जाए तो फिर जुल्म का जवाब देना ज़रूरी है। तो ये जिहाद जो हुआ इस्लाम में ऐसे जालिमों के साथ हुआ है, ऐसे नाहंजारों नालायकों के साथ जिहाद हुआ है। और इस्लाम में जिहाद एक इबादत है, एक फरीज़ा है और उसकी तमाम तर तफसीलात हैं, उसके क़ुयूद हैं, उसके हुदूद हैं, उसके शरायत हैं। हर कसो नाकस के साथ, हर आदमी के साथ, हर आम आदमी के साथ जिहाद नहीं होता। तो हम सब का अकीदा ये है कि जिहाद एक इबादत है और कुरान और हदीस में जगह जगह उसका ज़िक्र मौजूद है। और जिहाद में हिस्सा लेने वाले हज़रात सहाबे किराम के फ़ज़ाइल, मनाक़िब और उनकी खसूसियतों का ज़िक्र मौजूद है। जिहाद की तरगीब भी है और उसके अहकाम भी हैं। और ये हुक्म बाकी है, इस वास्ते बाकी है कि जब जब दुनिया में जुल्म होगा तो जुल्म का मुकाबला करने के लिए जिहाद होगा। लेकिन मिर्ज़ा कहता है कि मेरे आने के बाद, यानी जब मैं रसूल और नबी बनकर आ गया
तो मेरे आने के बाद जिहाद मंसूख हो गया। और बिलखुसूस अंग्रेज़ों के साथ जिहाद करना, अंग्रेज़ों के साथ जिहाद करना हराम और हराम कतई। ये कुरान और हदीस में तहरीफ है। जिहाद हर वक्त तो नहीं है, लेकिन जिहाद का हुक्म बाकी है। जब वैसे हालात पेश आएंगे मुसलमानों को जिहाद करना पड़ेगा। और वो हालात क्या हैं, मैंने अभी बताया, जुल्म, जुल्म वाले हालात। जुल्म का मुकाबला करने का नाम जिहाद है, आम इंसान से मुकाबला करने का नाम जिहाद नहीं है। जुल्म का मुकाबला करने का नाम जिहाद है। जिहाद इस्लाम में एक फरीज़ा है, एक इबादत है, इस्लाम का एक हुक्म है, जो किसी दलील से मंसूख नहीं हुआ, क़यामत तक बाकी रहेगा। जब हालात होंगे जुल्म के, जिहाद करना पड़ेगा, मुकाबला करना पड़ेगा। लेकिन ये मिर्ज़ा कहता है मेरे आने के बाद, यानी एक रसूल, ये इन रसूल है, पैगंबर है, मेरे आने के बाद जिहाद का हुक्म मंसूख हो गया, और ख़ास तौर पर अंग्रेज़ों से जिहाद करना, मुकाबला करना है तो बिल्कुल हराम है, बिल्कुल हराम है। अंग्रेज़ों से, अंग्रेज़ों ने इस मुल्क में, अंग्रेज़ों ने इस मुल्क में धोखा देकर कब्ज़ा जमाया और इस मुल्क के ऊपर ऐसा तसल्लुत बरपा किया और अपनी ऐसी हुक्मरानी कायम की कि इस मुल्क के बाशिंदों को, चाहे मुसलमान, चाहे हिंदू, चाहे कोई और काफिर और मुशरिक, जो भी इस मुल्क का बाशिंदा है, इस मुल्क के बाशिंदों को इज़्ज़त के साथ ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो गया था। हर तरफ ब्रिटिश के अहकाम, अंग्रेज़ों की जो है हुक्मरानी और अंग्रेज़ों का तसल्लुत, जिसकी वजह से हिंदुस्तानियों को, जिस वजह हिंदुस्तानियों को गोया के अंग्रेज़ों ने अपना ग़ुलाम बना के रखा और उन पर तरह तरह का माशी, समाजी, मज़हबी जुल्म अंग्रेज़ ढा रहे थे, तो उस मौके पर अंग्रेज़ों का मुकाबला करना ज़रूरी हो गया था। अगर ना होता अंग्रेज़ों का मुकाबला, तो आज भी ये मुल्क हिंदुस्तान आज भी अंग्रेज़ों के कब्ज़े में होता और यहाँ के हिंदुस्तानी अंग्रेज़ों के यरगमाल होते। लेकिन अल्लाह ताला ने उस वक्त के मुसलमानों को ये हिम्मत और ये हौसला अता फरमाया कि उन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ाई का आगाज़ किया, इस वास्ते कि इस मुल्क में अंग्रेज़ ज़ालिम बन गए थे। मुसलमानों ने आवाज़ उठाई और अंग्रेज़ों की मुखालफत और अंग्रेज़ों से इख्तलाफ और अंग्रेज़ों से लड़ाई और अंग्रेज़ों को इस मुल्क से निकालने की जद्दोजहद और कोशिशों को जिहाद का नाम दिया गया। उस मौके पर अंग्रेज़ों ने ग़ुलाम अहमद क़ादियानी को ख़रीदा और उसको तैयार किया और उसको मुख्तलिफ़ रंग रूप दिए, कभी मुजद्दिद होने का, कभी मसीह होने का रंग, कभी महदी होने का रंग, और यहाँ तक के नबी और पैगंबर होने का रूप। ये अंग्रेज़ों का, अंग्रेज़ों की साजिश के तौर पर था। तो अंग्रेज़ों ने उसको तैयार किया और उससे जिहाद के हराम होने का फतवा सादिर कराया। तो मुसलमान फतवे का एहतराम करते हैं, लिहाजा फतवा सादिर करो। तो हम सब मुसलमानों के नज़दीक जब तक कुरान बाकी है, नबी अलैहिस्सलाम की नबूवत और रिसालत बाकी है, दीन और शरीयत बाकी है, और ये सब चीज़ें क़यामत तक बाकी रहेंगी, तो उस वक्त तक जिहाद का फरीज़ा भी बाकी रहेगा। लेकिन जिहाद आम लोगों के साथ नहीं होगा, जिहाद ज़ालिमों के साथ, जाबिरों के साथ होगा।
तो फरीज़ा बाकी है, लेकिन अब अंग्रेज़ों के चापलूसी में ग़ुलाम मोहम्मद क़ादियानी ने सब मुसलमानों की तहक़ीक और तमाम आइम्मा किराम और क़ुरान और हदीस और फ़िक्ह इस्लाम के ख़िलाफ़ फतवा सादिर किया। सुनिए अल्फाज, सो अब मेरे ज़ुहूर के बाद यानी मेरे आ जाने के बाद, बहैसियत नबी, बहैसियत पैगंबर, बहैसियत रसूल, मेरे आ जाने के बाद तलवार का कोई जिहाद नहीं है। हमारे तरफ से अमन और सुलहकारी का सफ़ेद झंडा बुलंद किया गया। दुश्मन है वो खुदा का जो करता है जिहाद, दुश्मन है वो खुदा का जो करता है जिहाद, मुनकिर नबी का है जो ये रखता है एतिकाद। अब छोड़ दो जिहाद का ए दोस्तों ख्याल, दीन के लिए हराम है अब जंगो किताल। मसीह मऊद यानी मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद के वक्त कतअन जिहाद का हुक्म मौकूफ़ कर दिया गया। काफिरों से लड़ना मुझ पर हराम किया गया। ये बात तो बहुत अच्छी है कि गवर्नमेंट बरतानिया की मदद की जाए और जिहाद के ख़राब मसले के ख़्याल को दिलों से मिटा दिया जाए। यह उनके अल्फाज हैं। जिहाद जो शरीयत इस्लाम का एक जुज़ है, हिस्सा है, उसके बारे में, उस अहम हुक्म के बारे में ग़ुलाम अहमद क़ादियानी का ये कहना है कि अब मेरे आने के बाद, इसके आने के बाद तलवार का कोई जिहाद नहीं है। और जो जिहाद की बात करे वो खुदा का दुश्मन है, जो जिहाद का अकीदा रखे वो नबी अलैहिस्सलाम का मुनकिर है। जिहाद हराम है, जिहाद का हुक्म मौकूफ कर दिया गया है। और ये अंग्रेज़ बरतानिया की गवर्नमेंट जो उस वक्त हिंदुस्तानियों के ऊपर मुसल्लत है और जुल्म कर रही है और सबको यरगमाल और ग़ुलाम बनाई हुई है, उनकी मदद करना ज़रूरी है। और उनसे लड़ाई करने के ख़्याल को, जिहाद के ख़्याल को दिलों से निकाल देना, दिलों से मिटा देना ज़रूरी है। ये वो बातें हैं जो शरीयत के, कानून इस्लाम के बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं। इसलिए हम ये कहते हैं कि जो ऐसा अकीदा रखे, ऐसा जो है ऐसा नज़रिया रखे, वो इस्लाम और मुसलमानों के बिल्कुल ख़िलाफ़ है, कुरानी अहकामात के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। इसी तरह एक और मसला है, एक और अकीदा है जो मुसलमानों का अलग है और इन मिर्ज़ाइयों और क़ादियानियों का बिल्कुल अलग है, तमाम मुसलमानों का बिल इज्मा बिल इत्तिफाक अकीदा है कि जितने अंबिया और पैगंबर गुज़रे हैं, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नबी रहमत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने अंबिया और पैगंबर गुज़रे हैं, चाहे उनका इल्म हो, चाहे हमें उनका इल्म ना हो, चाहे उनका नाम कुरान मजीद में अहादीस में हो या ना हो, जितने अंबिया और पैगंबर अल्लाह ताला ने भेजे हैं, तमाम अंबिया और पैगंबर तमाम इंसानों से अफजल और बेहतर हैं। तमाम अंबिया और पैगंबर तमाम इंसानों से अफजल और बेहतर हैं। कोई गैर नबी इंसान किसी नबी से बेहतर और बुज़ुर्ग और बरतर नहीं हो सकता, चाहे वो अपने ज़माने का कितना ही बड़ा वली हो, कुतुब हो, गौस हो, मुजद्दिद हो और अपने ज़माने का मशहूर हो, मारूफ हो, सूफ़ी हो, इबादत गुजार हो, तकवा परहेजगारी वाला परहेजगार हो, मुत्तकी परहेजगार हो, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई गैर नबी इंसान किसी नबी से अफजल और बेहतर नहीं हो सकता। और तमाम अंबिया और पैगंबर तमाम इंसानों से अफजल और बेहतर हैं, ख़ास तौर पर हमारे नबी रहमत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अंबिया से भी अफजल और बेहतर हैं।
ये मुसलमानों का, हमारा और आपका, तमाम मुसलमानों का अकीदा है, ख्याल है, नज़रिया है, सोच है, ईमान है। इसके बरखिलाफ़ मिर्ज़ाई और ख़ादियानियों का अकीदा क्या है? उसको सुनिए और गौर से सुनिए। वो कहता है मुहम्मद में और हमारे में बड़ा फ़र्क है, मुहम्मद में और हमारे में बड़ा फ़र्क है, क्योंकि मुझे तो हर एक वक्त खुदा की ताईद और मदद मिल रही है। कितनी बेहुदा बात, अपने आप को मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी अफजल और बेहतर साबित करवा रहा है, मनवा रहा है। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर वक्त खुदा की ताईद और खुदा की मदद हासिल नहीं थी, और मैं वो पैगंबर हूँ, मैं और रसूल वो रसूल हूँ जिसको हर वक्त, हर लम्हा, हर सेकंड खुदा की ताईद और खुदा की मदद मिल रही है। इसलिए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में और हमारे में बहुत बड़ा फ़र्क है। अपने आप को नऊज बिल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बराबर समझ रहा है। अरे अगर कोई शख्स अपने आप को मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बराबर भी समझने लगे तो हमारे नज़दीक वो शख्स भी गुमराह है और इस्लाम से खारिज है कि वो नबी को अपने बराबर समझ रहा है, या किसी को नबी के बराबर समझ रहा है, नबी के हमसर समझ रहा है, नबी जैसा समझ रहा है। इस्लाम से खारिज, गुमराही पर है, बातिल पर है। अगर कोई ऐसा अकीदा रखे, अकीदा ये रखना है कि सबसे अफजल और बेहतर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो अब ग़ुलाम अहमद क़ादियानी और उसके मानने वालों का ये दावा है कि मोहम्मद में और हमारे में बड़ा फ़र्क है, क्योंकि मुझे तो हर एक वक्त खुदा की ताईद और मदद मिल रही है। नऊज़ बिल्लाह, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर वक्त खुदा की मदद नहीं थी, खुदा की ताईद नहीं थी। इसलिए ये मौसूफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अफजल और बेहतर हैं। अम्बिया और पैगंबरों के बारे में, उनके बारे में ये लिखते हैं इब्ने मरियम के ज़िक्र को छोड़ो, इब्ने मरियम के ज़िक्र को छोड़ो। इब्ने मरियम यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, इब्ने मरियम के ज़िक्र को छोड़ो कि उससे बेहतर ग़ुलाम अहमद है। यानी हज़रत ईसा इब्ने मरियम से ज़्यादा अच्छे, ज़्यादा अफजल, ज़्यादा बेहतर ग़ुलाम अहमद क़ादियानी हैं। लिहाजा ईसा अलैहिस्सलाम का ज़िक्र छोड़ दो, जबकि अल्लाह ने क़ुरान में उनका ज़िक्र फरमाया। इब्ने मरियम के ज़िक्र को छोड़ो कि इससे बेहतर ग़ुलाम अहमद है। मोहम्मद फिर उतर आए हैं हम में और आगे से बढ़कर हैं अपनी शान में। मोहम्मद देखने हो जिसे अकमल, ग़ुलाम अहमद को देखे क़ादियान में। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। मोहम्मद फिर उतर आए हैं हम में, कौन है वो? ग़ुलाम अहमद क़ादियानी। मोहम्मद फिर उतर आए हैं हम में और आगे से बढ़कर हैं अपनी शान में। नऊज़ बिल्लाह। एक तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ुलाम अहमद की शक्ल में उतर के आए हैं, और न सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं बल्कि उनसे भी अफजल और बेहतर हो गए हैं शान में। मोहम्मद देखने हो जिसे अकमल, ग़ुलाम अहमद को देखे वो क़ादियान में। ये बेहुदा बातें बतौर अकीदा इन लोगों की किताबों में शामिल और शरीक हैं। फिर हम कैसे कह सकते हैं कि मुसलमान और क़ादियानी, इस्लाम और मिर्ज़ाई, इनमें कोई बड़ा इख्तलाफ नहीं है? ये मुसलमानों ही का एक तबका है, झूठ है, मक्कारी है, धोखेबाजी है। इन जुमलों से, इन अशार से ये बात मालूम होती है कि ग़ुलाम अहमद
غلام احمد نعوذ باللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا جنم ہے اور پہلے سے زیادہ اور کامل صلاحیت کے ساتھ اللہ کی مزید نصرت اور قوت بلکہ ہر وقت کی تائید کے ساتھ ظاہر ہوئے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی شان میں گستاخی توہین ہے یہ کہ غلام احمد قادیانی کو یہ سمجھنا یا اس کے بارے میں یہ خیال رکھنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر حلول کر گئے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دوسرا جنم ہے، یہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ رسالت مآب رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک بہت بڑی گستاخی ہے اور ان کی شان میں تحقیر ہے، توہین ہے، جس کو مسلمان کسی صورت میں برداشت نہیں کر سکتا۔ اور ایسے توہین آمیز عقیدوں کے بعد اور خیالات اور نظریات کے بعد کوئی انسان مسلمان باقی نہیں رہتا۔ اسی طرح ہم مسلمانوں کا بالاتفاق اور بالاجماع عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر ہیں اور بڑے پیغمبروں میں ان کا ذکر ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے ان کا ذکر فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ عیسیٰ رسول اللہ ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ قرآن کریم نے ان کی تعریف اور پاک بازی کا اعلان کیا ہے۔ ان کی والدہ محترمہ ماجدہ کو قرآن نے صدیقہ اور پاک باز قرار دیا ہے۔ سب مسلمان ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو معجزے دے کر اپنا رسول اور پیغمبر بنایا، اور ان کی والدہ ماجدہ حضرت مریم ان کی والدہ نہایت صالحہ پاک باز صدیقہ خاتون ہیں۔ قرآن میں اللہ نے خود فرمایا وَأُمُّهُ صِدِّيقَةَ۔ لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سارے مسلمانوں کی نظر میں، تمام مسلمانوں کے یقین اور ایمان اور عقیدے کے مطابق اللہ کے رسول ہیں، اور ان کی والدہ نہایت پاکیزہ اور محترم خاتون ہیں۔ یہ ہمارا آپ کا تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے، قرآن کے مطابق ہے، اسلام کے مطابق ہے، احادیث کے مطابق ہے۔ لیکن غلام احمد قادیانی، اس کے ماننے والے قادیانی اور مرزائی، ان کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا تصور ہے، اور ان کی والدہ ماجدہ حضرت مریم کے بارے میں ان کا کیا تصور اور عقیدہ ہے، وہ بھی سن لیجئے۔ غلام احمد نے ان بزرگ اور مقدس ہستیوں کے بارے میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، ان کی والدہ ماجدہ کے بارے میں جس طرح کی گستاخیاں کی ہیں، اس کا ذکر تو دور کی بات ہے، اس کا تصور کرتے ہوئے بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کوئی مسلمان برداشت نہیں کرے گا۔ لیکن قادیانیوں کے عقائد کو سمجھنے کے لیے ان کی انبیاء اور پیغمبروں کے ساتھ دشمنی اور عداوت کو سمجھنے کے لیے حضرت عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں ان کا جو ذہن ہے، ان کے جو باطل افکار ہیں، ان کو سمجھنے کے لیے ایک آدھ نمونہ مسلمانوں کی خدمت میں، برادران اسلام اور دختران ملت کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ وہ کیا لکھتا ہے؟ وہ لکھتا ہے، سنیے، اگر مسیح ابن مریم
یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اگر مسیح ابن مریم میرے زمانے میں ہوتا تو وہ کام جو میں کر سکتا ہوں ہرگز نہیں کر سکتا، اور جو نشان مجھ سے ظاہر ہو رہے ہیں وہ ہرگز نہیں دکھلا سکتا۔ کس کے بارے میں؟ حدیثہ علیہ السلام کے بارے میں۔ اللہ نے کیسے کیسے معجزے ان کو عطا فرمائے تھے، کیسی کیسی نشانیاں اللہ نے عطا فرمائی تھیں، قرآن پاک میں اس کا بیان ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ دیا تھا، مردوں سے بات کرتے تھے، بیماروں کے جسم پر ہاتھ پھیرتے تو وہ صحیح ہو جاتا تھا، اور مردوں سے ہم کلام ہو جایا کرتے تھے، بیماروں کو شفا کرتی تھی، وغیرہ وغیرہ جو قرآن مجید میں اللہ نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کے معجزات اور ان نشانیاں دکھلائی ہیں، اور انہوں نے اپنے زمانے میں نبوت اور رسالت کا جو کام کیا، جو خدمت انجام دی ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ ناہنجار اور نالائق اپنی بدتمیزی اور بیہودہ گفتگو اس انداز میں کر رہا ہے کہ اگر مسیح ابن مریم میرے زمانے میں ہوتا تو وہ جو کام میں کر سکتا ہوں مسیح ابن مریم کبھی نہیں کر سکتا، اور جو نشانیاں جو معجزات میں ظاہر کر رہا ہوں وہ ہرگز ظاہر نہیں کر سکتا تھا، نعوذ باللہ۔ حضرت مسیح کی تین دادیاں اور نانیاں، حضرت مسیح کی تین دادیاں اور نانیاں یعنی تین پشت زناکار قصبی عورتیں تھیں جن کے خون سے آپ کا وجود ظہور پذیر ہوا، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ حفاظت فرمائے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ آپ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کسی قدر جھوٹ بولنے کی عادت تھی، نعوذ باللہ، خدا کا نبی اور پیغمبر جھوٹ بولے یا اس کے بارے میں جھوٹے ہونے کا یقین کسی آدمی کو ہو جائے تو نعوذ باللہ گمراہ ہو جائے گا وہ، کہ نبی اور پیغمبر اور جھوٹ ہرگز نہیں ہو سکتا، نبی تو سب صادق ہوتے ہیں، سچے ہوتے ہیں، اور اللہ کی بات کہتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور بات نہیں کرتے، نبیوں کے بارے میں تو یہ یقین ہوتا ہے۔ لیکن یہ کہتا ہے کہ یہ بھی یاد رہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کسی قدر جھوٹ بولنے کی عادت تھی، یہ وہ عقائد ہیں، وہ نظریات ہیں، وہ افکار ہیں، اور ان کی بنیادی وہ باتیں ہیں کہ اگر کوئی انسان ان باتوں پر عمل کرے یا ان باتوں پر ایمان لائے اور اس کا عقیدہ دماغ میں رکھے تو وہ آدمی ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، ایمان والا نہیں ہوتا ہے، اسلام والا نہیں ہوتا ہے، ایسے لوگوں کا اسلام سے اور مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک اور بات اس قسط کی آخری بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ مرزا صاحب نے قرآن کریم کی بے شمار آیات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازل ہوئیں اور آپ کے بارے میں نازل ہوئیں، جیسے اللہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں بیان فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا، سورہ فتح کی پہلی آیت، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں بیان فرمایا انا اعطیناک الکوثر، سورہ کوثر کی پہلی آیت، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں آیت نازل فرمائی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ یہ آیتیں اللہ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں نازل فرمائیں، اور ایسی بہت سی آیتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازل فرمائی ہیں۔ یہ مرزا غلام احمد کہتا ہے کہ یہ اور اس جیسی بہت سی آیتوں کا مصداق میں غلام احمد قادیانی ہوں، جبکہ سب مسلمانوں کے نزدیک، علماء کے نزدیک ان آیتوں کے مصداق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہ آیتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں نازل ہوئی ہیں،
लेकिन कादियानी कहता है, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी कहता है कि इन सब आयतों का मर्तबे और मकाम का और इन सब बुलंद शानों का मिज़दाख अपने आप को करार देता है और कहता है कि इन सब आयतों में मेरा ज़िक्र है कि मैं इस शान का नबी और पैगंबर हूँ। ये 10 जुज़िया, 10 बातें, बातिल अकीदे की 10 बातें या बातिल 10 अकीदे मैंने आप हजरात के सामने रखे हैं, और अपनी तरफ से नहीं उनकी किताबों से माखूज़ हैं, उनकी किताबों से मनकूल हैं। ये 10 बातें मैंने आपके सामने रखी हैं, जो 10 बातें जो उनकी किताबों से, अहम किताबों से माखूज हैं, जिसको एक बहुत बड़े आलिम मुहद्दिस जलील हज़रत मौलाना इदरीस अहमद साहब कांदलवी रहमतुल्लाह अलैह ने उनकी किताबों को तलाश करके उनकी किताबों में से उनकी किताबों के हवालों के साथ, सफ़े नंबरों के साथ हज़रत मौलाना इदरीस अहमद कांदली रहमतुल्लाह अलैह ने एक जगह जमा की और उसको मजलिस तहफ़्फ़ुज़े ख़त्मे नबुव्वत तेलंगाना, मजलिस तहफ़्फ़ुज़े ख़त्मे नबुव्वत ट्रस्ट तेलंगाना और आंध्रा ने थोड़ी वजाहत के साथ उसको शाये किया। उसके हवाले से मैंने ये 10 बातिल अकीदे कादियानियों के आपके सामने रखे, जिससे ये बात मालूम होती है, जाहिर होती है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है, दूध अलग पानी अलग, और पूरी तरह ये बात वाज़े हो जाती है कि मुसलमान और इस्लाम और मिर्ज़ाई और कादियानों के दरमियान जो इख्तलाफ है, ये बुनियादी इख्तलाफ है, अकीदे का इख्तलाफ है, मामूली और छोटा इख्तलाफ नहीं, और इन इख्तलाफ के रखने वाले इस्लाम के नहीं हो सकते, वो इस्लाम से खारिज हो जाएंगे। लिहाजा मिर्ज़ाई और कादियानी इस्लाम से खारिज है, उनका अपने आप को मुसलमान समझना, इस्लाम का हामिल समझना, उनको अपने आप को मुहम्मदी कहलाना, अहमदी कहलाना हरगिज़ दुरुस्त नहीं है। ये एक धोखा है, एक शैतानियत है, ये तलबीस है और दुनिया को धोखा देना है। आखिरी बात अर्ज़ करके अपनी बात ख़त्म करता हूँ, वो ये है कि जब नतीजे के तौर पर आखिरी बात, जब हर मामले में मिर्ज़ाइयों ने, खादियानियों ने अपना एक अलग रास्ता इख्तियार कर लिया, अपनी एक अलग राह इख्तियार कर ली, अपनी एक अलग जगह बना ली, अपनी एक अलग शनाख्त बना ली, अपनी एक अलग तहजीब बना ली, अपना एक अलग मरकज़ बना लिया, तो फिर दुनिया उनको किस तरह मुसलमान समझ सकती है? मुसलमानों का उन्हें मुसलमान समझना या दुनिया का उन्हें इस्लाम और इस्लाम का समझना, मुसलमानों का समझना, ये एक बहुत बड़ी गलती और बहुत बड़ा धोखा होगा। कादियानियों ने अपनी तमाम चीज़ें किस तरह अलग कर लीं, देखिए, कादियानियों का नबी अलग, तमाम दुनिया के मुसलमानों के नबी और क़यामत तक के लिए नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके बाद कोई नबी नहीं, लेकिन कादियानियों और मिर्ज़ाइयों का नबी मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी। तमाम मुसलमानों की किताब कुरान मजीद जो आखिरी किताब है, उसके बाद क़यामत तक कोई किताब नाजिल नहीं हो सकती, लेकिन कादियानियों और मिर्ज़ाइयों की किताब कुरान नहीं, किताब तज़किरा, जिसको वो वही मुकद्दस कहते हैं, वही मुकद्दस, और उसके बारे में उनका यकीन ये है, कादियानियों का यकीन तज़किरा, जो उनके नज़दीक कुरान मजीद के बराबर बल्कि उससे बड़ी किताब है, तज़किरा, जिसको वो वही मुकद्दस कहते हैं, उसके बारे में उनका मानना है कि जो कुछ मैं अल्लाह की वही से सुनता हूँ, खुदा की कसम उसे हर किस्म की ख़ता से पाक समझता हूँ, कुरान की तरह मेरी वही, कुरान की ख़ता मेरी वही ख़ताओं से पाक है, यानी तज़किरा ये किताब जो उनकी वही है तमाम ख़ताओं से पाक है।
ये मेरा ईमान है। खुदा की कसम ये कलाम मजीद है जो खुदाए पाक यकता के मुँह से निकला है, यानी उनकी किताब तज़किरा वही मुकद्दस, उसके बारे में उनका ये कहना है, उनका ईमान है कि ये कुरान ये कलाम मजीद है, अल्लाह का कलाम है जो खुदाए पाक यकता के मुँह से निकला है। जो यकीन ईसा अलैहिस्सलाम को अपनी वही पर, मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात पर और हुजूर अलैहिस्सलाम को कुरान मजीद पर था, मैं अज़रूए यकीन इन सब से कम नहीं हूँ, इन सब से कम नहीं हूँ। यानी जो यकीन मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात पर, ईसा अलैहिस्सलाम को इंजील पर और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान मजीद पर था, वो कहता है कि मुझे इसी तरह ये यकीन है कि ये किताब तज़किरा वही मुकद्दस ये इन किताबों की तरह, इन आसमानी किताबों की तरह है। जो झूठ कहे वो लानती है, जो झूठ कहे वो लानती है, ये इस तज़किरा किताब के बारे में इनका ईमान और यकीन है और उनके ये दावे हैं। लिहाजा ये मालूम हुआ कि मुसलमानों की किताब कुरान मजीद, इनकी किताब तज़किरा वही मुकद्दस, मुसलमानों का नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनका नबी ग़ुलाम अहमद कादियानी, मुसलमानों की शरीयत दीन इस्लाम और इन कादियानियों की शरीयत कादियानी धर्म, मुसलमानों के लिए मुकद्दस मकाम मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा और कादियानियों मिर्ज़ाइयों के नज़दीक मुकद्दस मकाम कादियान की ज़मीन, मुसलमानों के लिए मक्का मुकर्रमा मदीना मुनव्वरा मुकद्दस मकामात सारी दुनिया में और इनके नज़दीक कादियान की सरजमीन मक्के मुकर्रमा और मदीने मुनव्वरा से ज़्यादा अफजल और बेहतर है। और हज बैतुल्लाह के लिए सारे मुसलमान जाते हैं और वहाँ जाकर हज करते हैं, लेकिन इनके नज़दीक कादियान में अगर कोई हाज़िर हो जाए तो उसको हज बैतुल्लाह के बराबर सवाब मिल जाए, हज का फरीज़ा पूरा हो जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने वाले तमाम मुसलमानों के नज़दीक सहाबे किराम हैं, तो इनके नज़दीक मिर्ज़ा को देखने वाले सहाबे किराम हैं। अलगरस जब कादियानियों ने मिर्ज़ाइयों ने अपनी हर चीज़ अलग कर ली और अपना अलग शियार बना लिया और अपनी अलग तहज़ीब और अपना अलग रंग मुतय्यन कर लिया और सिबगतुल्लाह वमन अहसनु मिन अल्लाह सिबगा, इस्लाम हकीकी इस्लाम और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह ताला का जो रंग है उस रंग से हटकर अपना अलग एक रंग मुतय्यन कर लिया, तो अब उनको ये हक़ बाकी नहीं रहा कि वो अपने आप को मुसलमान कहें या मुसलमानों में शुमार करें। इसलिए मैं इस बयान के ज़रिए उम्मत मुस्लिमा के एक एक फ़र्द और तमाम इस्लामी और ईमानी भाइयों और बहनों की खिदमत में ये अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि आपको इस तफसील से मालूम हो गया कि कादियानियों ने अपना रास्ता बिल्कुल अलग कर लिया, मिर्ज़ाइयों ने अपना रंग बिल्कुल इस्लाम से अलग कर लिया है, उनकी हर चीज़ अलग है, उनका नबी अलग, उनकी शरीयत अलग, उनका उनकी किताब अलग और इसी तरह उनका मक्का और मदीना अलग और सारी दुनिया के मुसलमान जन्नतुल मुअल्ला और जन्नतुल बकी को सबसे बेहतरीन कब्रस्तान करार देते हैं, लेकिन मिर्ज़ाई और कादियानियों के नज़दीक कादियानियों का रबवा जगह का जो कब्रस्तान है वो कब्रस्तान तमाम कब्रस्तानों से ज़्यादा अफजल बेहतर है। यहाँ तक उन्होंने अपना रास्ता अलग कर लिया है कि मिर्ज़ा के ख़ानदान को नबुव्वत का ख़ानदान समझते हैं और मिर्ज़ा के अहलो अयाल को
अहले बैत की तरह तसव्वुर करते हैं और मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी के बाद हकीम नूरुद्दीन और फिर उसके बाद मिर्ज़ा बशीर जो उसके जानशीन बने, उनको नाऊज़ बिल्लाह हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक़ की तरह तसव्वुर करते हैं। जब हर चीज़ में, हर मामले में, हर एतबार से उन्होंने अपना रास्ता अलग मुतय्यन कर लिया है, तो फिर वो मुसलमानों का हिस्सा कैसे रहे, इस्लाम का जुज़ कैसे रहे? इसलिए इसको समझने की ज़रूरत है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सही समझ की तौफीक अता फ़रमाए और क़ादियानियों में, क़ादियानियों का, मिर्ज़ाइयों का जो इस्लाम से इख्तलाफ है, मुसलमानों से इख्तलाफ है, उसको समझने की अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फ़रमाए। इन तमाम तफसीलात की रोशनी में मैं जो बात वाज़े करना चाह रहा हूँ वो आप हज़रात ने अच्छी तरह समझ लिया होगा कि इस्लाम और मुसलमानों का मिर्ज़ाई और क़ादियानियों से कोई ताल्लुक़ नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है, और मिर्ज़ाई और क़ादियानियों का इस्लाम और मुसलमानों से कोई रिश्ता नहीं है। उनका रास्ता, उनकी राह, उनका मज़हब, उनका धर्म, उनके शियार और उनके तमाम अलामत और निशानियाँ बिल्कुल अलग हैं और इस्लाम और मुसलमानों का अलग है। इस तफरीक को समझने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फ़रमाए।